Guys, welcome back to our channel Helmet Cabin Rider. Guys, आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ लाजपत नगर तक. क्यों जा रहा हूँ लाजपत नगर बता देता हूँ. आज संडे है, राइड का डे था, लेकिन मैंने राइड कैंसिल करके लाजपत नगर जा रहा हूँ. और वो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मेन कैमरा है सोनी का है, और सोनी का आज कैंप लगा हुआ है जो कि लाजपत नगर में है. और वहाँ पर वो पूरा लेंस वगैरह सब क्लीन करके देंगे, साफ़ करके देंगे. तो मेरे लेंस में वैसे भी बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई थी, और कैमरा भी क्लीन करेंगे. तो मैंने सोचा यार आज करा ही लेता हूँ, संडे ही राइड मॉर्निंग ही कैंसिल करके और चलते हैं. और भाई ज़बरदस्त मौसम हो रखा है आपके सामने, और भाई बिल्कुल धुंध ही धुंध है. दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस समय कोई भी मतलब धूप के कहीं से आसार नहीं दिख रहे, और ठंड मस्त है यार. तो एक ही हाथ में ग्लव पहन रखा है, दूसरे में हटा दिया है. पता नहीं क्यों यार इस हाथ में पेन सा होने लगा था ग्लव पहने मैंने, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत भारी हो, तो इसीलिए मैंने वो हटा दिया है. चलिए अभी आगे को निकल रहे हैं, और रास्ते में होने वाली गतिविधियां आप लोगों को दिखाएंगे. ट्रैफिक लग रहा है मुझे हल्का बहुत, ये तो रहता ही है यहाँ पर तो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें निकल जाना है सीधा तो नहीं मिलेगा हमें ट्रैफिक. ये मोड़ है ना भजनपुरे वाला. तेरी भैंस की माँ मरे भैन के लावड़े, कुत्ते के पिल्ले भैन चोद 51-54 मादर चोद, मर जा जाके भोसड़ी के कुत्ता भैन का लंड भैन चोद. अब भोसड़ी का रास्ता नहीं पता होता तो घर से निकलते क्यों मादर चोदो, दूसरे को मारने के लिए निकलते हो क्या भैन चोद. भाई बस लग गई ब्रेक, उस समय नहीं लगती तो क्या कर लेता कोई किसी का. भाई ज़बरदस्त धूप से निकल गई है, और मैं रिंग रोड पे चल रहा हूँ भाई मज़े से. तो बस लगभग पहुँच गया हूँ मैं लाजपत नगर. सुंदर लग रहा है ना, अच्छा पेंट कर रखा है नीचे. भाई पहले देखते ही ऐसे लगा ये कैसा एनाकोंडा सा लेटा हुआ है, ये क्या मतलब, ऐसे लग रहा बिल्कुल एनाकोंडा का पेट हो ना भाई. पहले तो एक सेकंड देख लिया मैंने, कहा भाई ये क्या चीज़ है, फिर आराम से चला आगे. मैंने कहा ठीक है एनाकोंडा नहीं लेटा हुआ, बाकी सब ठीक है. मैंने कहा लगे हाथों तो चेक भी कर लूँ एक बार, फ़ोटो वीडियो सब चेक कर ली मैंने तो अच्छा है यार, ठीक है नॉर्मल साफ़ हो गया, पहले से फील तो इतना होता नहीं लेकिन अंदर से साफ़ है. तो गाइस फाइनली अपना कैमरे का काम हो चुका है, थोड़ा सा शॉट मैंने आपको दिखाया बिल्कुल, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया. हाँ वो कहने लगा कैमरे को सर्विस सेंटर भी लेकर जाओ, और क्योंकि कैमरा ज़्यादा ही आपका वो हो रहा है. मैंने यार बताया यार तू करके देना मेरे को बात ख़त्म. चलिए एनी हाउ अभी काम हो गया है, करवा कर निकलते हैं. तो गाइस ऊपर की तरफ देखो धूप बढ़िया मस्त हो रखी है, या फ्लाईओवर की वजह से थोड़ा सा कम आ रही है. और अभी रास्ते में मज़ा आने वाला है क्योंकि धूप बहुत तेज होगी, तो राइड का एंजॉय ही अलग होगा.
तो गाइज आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। किसी भी कारण से यदि ये वीडियो पसंद आई हो, किसी भी कारण से, तो प्लीज़ यार लाइक बटन ज़रूर दबा देना।